होश मोहम्मद 1801 ईस्वी में पैदा हुए। फौज में शामिल होने से पहले वो तालपुर हुक्मरानों की रहायशगाह पर काम करते थे। ये 1843 का दौर है जब अंग्रेज ने हैदराबाद की तरफ पेश कदमी की तो कुछ लोगों ने उनका मुकाबला किया था। उन्हीं में से एक होश मोहम्मद शीदी भी थे, जिनको होशो शीदी के नाम से भी जाना जाता है। होश मोहम्मद शीदी सिंध पर तालपुर खानदान की हुक्मरानी में बहादुर सिपासालार थे। होश मोहम्मद शीदी मियानी की जंग के मैदान के करीब दबी के मैदान में अंग्रेजों के खिलाफ अपने वतन के दिफा में बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। इसकी जबान पर एक ही नारा था कि मरवेसों मरवेसों पर सिंध ना डेसों। ये नारा सरायकी जबान में है। तालपुर हुक्मरान सरायकी और सिंधी बोलते थे। होश मोहम्मद की परवरिश तालपुरों के यहां हुई थी, इसलिए वो सरायकी भी बोलते थे। होश मोहम्मद का ताल्लुक शीदी घराने से था। वो जवानी में फौज में भर्ती हुए। बड़े निडर और जोश वाले थे। अंग्रेजों से जंग के वक्त ये बड़े जोश और तैश में थे। मुख्तसर खिताब भी किया था। होश मोहम्मद के अलावा सिंध के दिफा में एक किरदार चांडियो कबीले का भी है, जिसने सिंध की बका की खातिर कुर्बानियां दी। होश मोहम्मद शीदी ने इस जंग में वो दाद शुजात दिखाई के अंग्रेज को भी ये कहने पर मजबूर कर दिया कि लगता है नेपोलियन की फौज का कोई सिपाही हमारे खिलाफ लड़ रहा है। जनरल चार्ल्स नेपियर अपनी किताब सिंध के फाते में लिखते हैं कि जब हैदराबाद की जंग हो रही थी तो मैंने देखा कि एक शख्स जो बेजिगरी से लड़ रहा था वो ऐसे लगता था कि जैसे वो बना ही जंग के लिए है। इसकी जंग का अंदाज देखकर लगता कि जैसे नेपोलियन की फौज का तरबियत याफ्ता सिपाही लड़ रहा है। चार्ल्स विलियम नेपियर लिखते हैं कि ये वो बंदा है जिसको मियानी की जंग, दुबे की जंग और हैदराबाद की जंग में देखा गया। हैदराबाद और सिंध में मुकीम शीदी बरादरी न सिर्फ हर साल होश मोहम्मद शीदी का जन्मदिन और बरसी का दिन मनाती है, बल्कि वो उनके मजार की तामीर और मुरम्मत का काम भी अपनी मदद अब के तहत कर रहे हैं। हैदराबाद से 18 किलोमीटर के फासले पर मियानी का इलाका वाक़े है। ये वो इलाका है जहां से सिंध के फर्जंदों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया था और उन्हीं में होश मोहम्मद शीदी भी शामिल थे। इस मैदान का दौरा करने वाले सिंध के सहाफी हफीज अख्तर कहते हैं कि मियानी का मैदान जहां पर कभी जंग हुई थी और कई लोग मारे गए थे, वहां अब गुलाब के फूल हैं। मियानी का ये मैदान अब गुलाब के फूलों के हवाले से मशहूर है। ये इलाका गुलाब के फूलों की खुशबू से महकता है। मियानी के मैदान के साथ जंग के दौरान मारे जाने वाले अंग्रेज और सिंधियों, जिनमें होश मोहम्मद शीदी भी शामिल हैं, की यादगारें मौजूद हैं, जबकि यादगारों के साथ एक इज्तिमाई कब्र भी मौजूद है। जब मैंने होश मोहम्मद की कब्र की तलाश के लिए तहकीक की तो लोगों ने बताया कि कब्र हैदराबाद में नहीं मियानी के मैदान के करीब है, और उनकी तहकीक के मुताबिक कुछ लोगों का ख्याल है कि होश मोहम्मद की पैदाइश सिंध की नहीं बल्कि वो कहीं से बतौर गुलाम लाए गए थे। ताहम बाज लोग इस बात को मुस्तरद करते हुए कहते हैं कि उनकी पैदाइश सिंध में हुई। सिंध की तारीख में बड़े नाम गुजरे हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ न सिर्फ जंग लड़ी बल्कि उन्होंने मुखालिफ को भी मजबूर कर दिया कि वो भी उनकी बहादुरी और शुजात की तारीफ करें। माहिर आसार कदीमा और तारीख दान डॉक्टर कलीम उल्ला लाशारी कहते हैं कि अगर हम होश मोहम्मद शीदी के हवाले से तारीख को देखें तो उनका तज़किरा तीन जगह हमें मिलता। जब ये किताबें सामने आईं और होश मोहम्मद शीदी का तज़किरा सामने आया तो लोगों को तजस्सुस हुआ कि ये कौन है और उनका हसब नसब किया है। वो कहते हैं कि जंग की तारीख फाते लिखता है और मफतूहा कौमें इसको याद करती हैं ताकि अपनी माजी की गलतियों को जान सकें। होश मोहम्मद शीदी के हवाले से 50 की दहाई में तहकीक शुरू हुई और डॉक्टर नबी बख्श ने इस पर काम शुरू किया और उन्होंने 1962 के लगभग उनके दो पसमानदगान में से दो के नाम भी बताए। उन्होंने बताया कि होश मोहम्मद उन्हीं दिनों पैदा हुए जब मीर फतेह अली तालपुर के यहां 1801 में अमीर सूबेदार पैदा हुए। होश मोहम्मद उनके हम उम्र थे और खानदानी रवायत भी है कि वो भी इसी घर में मुलाजिम के यहां पैदा हुए। डॉक्टर कलीम लाशारी ने बताया कि माजी में बड़े लोगों में सखावत होती थी और वो बाज़ औकात गुलामों के बच्चों की तरबियत भी अपने बच्चों की तरह करते थे।
यही सूरत हाल होश मोहम्मद के हवाले से भी सामने आए। होश मोहम्मद और मीर सोबदार दोनों एक साथ बड़े हुए और इकट्ठे जवान हुए। बाद में होश मोहम्मद मीर सोबदार के खिदमतगार बन गए। जाहिर है कि बाद में इनको जो हरबी तरबियत मिली वो उनका हक बनता था। विलियम नेपर ने तस्दीक की है कि मीर सोबदार की फौज का सिपाही था जो मीर नसीर के फौज के साथ मिलकर मियानी की जंग के लिए चला गया। कलीमुल्ला के मुताबिक मियानी की जंग में बलोचों को शिकस्त हुई, ताहम होश मोहम्मद मीर शहदाद के साथ मिल गए जो उसी जंग में शिरकत के लिए आ रहे थे। जनरल होश मोहम्मद शीदी कंबरानी एक अस्करी यूनिट था और मीर शेर मोहम्मद खान तालपुर की क़यादत में सिंध की तालपुर फौज के सुप्रीम कमांडर भी थे। होशो शीदी ने हैदराबाद की जंग में सर चार्ल्स जेम्स नेपियर की क़यादत में बरतानवी अफवाज के खिलाफ लड़ा और 24 मार्च 1843 को मारा गया। होश मोहम्मद का ताल्लुक सिंध पाकिस्तान की अफ्रीकी नजाद सदी बरादरी से था। हैदराबाद की जंग में अपनी मौत से पहले इसने मशहूर नारा लगाया, हम मर जाएंगे लेकिन सिंध नहीं देंगे। होश मोहम्मद को बरतानवी कमांडिंग ऑफिसर सर चार्ल्स जेम्स नेपियर ने इज्जत दी जिसने उन्हें पूरे फौजी एजाज के साथ दफन किया। होशो शीदी कंबरानी का तारीखी मकबरा हैदराबाद से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर एक छोटे से गांव दोबी में है। इसे जंग के शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए बनाया गया था और उसे तारीखी वरसा करार दिया गया था। इमारत को फुल अलहाल देखभाल और बहाली की जरूरत है। ये सिंध का एक तारीखी मकाम है जिसे हुकूमत और बरादरी नजरअंदाज कर रही है।